नमस्कार दोस्तों, रियल माइथोलॉजी में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपको महाशिवरात्रि से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। एक साल में कुल 12 शिवरात्रि आती है, उनमें से महाशिवरात्रि जो कि फरवरी या मार्च में आती है उसका अधिक महत्व है। सिर्फ धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक महत्व भी है। इस वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्रि के पीछे का विज्ञान बताऊंगा जो कि आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और ना ही कहीं पर पढ़ा होगा। महाशिवरात्रि के रात को हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं जिसका परिणाम हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है, और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व क्या है और कर्नाटका और कई राज्यों में वहाँ के स्थानीय लोग क्यों अपने बच्चों से ये कहते हैं कि जाओ और लोगों के दरवाजों पर पत्थर फेंको। आखिर इस परंपरा के पीछे का कारण क्या है, चलिए जानते हैं। कर्नाटका और कई राज्यों में महाशिवरात्रि के रात को बच्चे बूढ़े उन लोगों के घर के दरवाजों पर पत्थर फेंकते हैं जो रात में सो रहे होते हैं। ऐसा करके वो उन्हें जागने पर मजबूर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के रात को सोना नहीं चाहिए। आखिर इस परंपरा के पीछे का विज्ञान क्या है? दरअसल महाशिवरात्रि के रात को इस संसार में, इस शरीर में और इस पृथ्वी में एक ऊर्जा का प्राकृतिक निर्माण होता है, एंड दिस फोर्स हैज एन अपवर्ड डायरेक्शन। उस ऊर्जा के संचार की दिशा ऊपर की ओर होती है, और उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए हमारे रीढ़ की हड्डी का सीधा होना जरूरी है। जब हम बैठते हैं या खड़े होते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। इसीलिए महाशिवरात्रि के रात को सोना नहीं चाहिए ताकि हम उस ऊपरी दिशा की ओर संचार होने वाली ऊर्जा को ग्रहण कर सके। ये था वो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण, पर साथ ही बायोलॉजी साइंस के अनुसार महाशिवरात्रि का एक और महत्व भी है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि महाशिवरात्रि के रात में हमारे शरीर में एक ऐसा बदलाव होता है जिसका परिणाम हमारे पूरे जीवन पर होता है। अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी एंड साइंस, महाशिवरात्रि के समय चंद्र, पृथ्वी और सूर्य ऐसी पोजीशन में होते हैं जिससे हमारे शरीर में के तीन प्रमुख घटकों में से एक घटक सक्रिय हो जाता है। मानव शरीर के तीन प्रमुख घटक है वात, पित्त और कफ। महाशिवरात्रि को वात सक्रिय हो जाता है जो कि हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है। कई लोगों को वात से जुड़ी समस्याएं भी है जिसका कारण है वात में असंतुलन। सिंपल भाषा में वात यानी हवा, हमारे शरीर में हवा है और ये हवा यानी वात शरीर में फिरता है ताकि संतुलन पा सके, और उस वात को आसानी से मूवमेंट करने के लिए आवश्यक है कि आपकी नाड़ी स्पाइन कॉर्ड सीधी हो। इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, और ये तभी संभव है जब आप बैठे या खड़े हो। इसीलिए महाशिवरात्रि को जागने की प्रथा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को ये जानकारी और इस विज्ञान के बारे में पता चल सके, और ऐसे ही भारतीय पौराणिक कथाएं और परंपरा के पीछे का तत्वज्ञान और विज्ञान जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।